नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। मुजफ्फरपुर नीतीश कुमार गए हैं तो वहीं ट्विटर पर राबड़ी देवी उन पर लगातार करारा प्रहार कर रही हैं। राबड़ी देवी ने लगातार 5 ट्वीट किए हैं और इन ट्वीट के माध्यम से उन्होंने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आखिर इतना समय क्यों लग गया नीतीश कुमार को मुजफ्फरपुर जाने में। राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट में लिखा है, एनडीए सरकार की घोर लापरवाही, कुव्यवस्था, सीएम की महामारी को लेकर अनुत्तरदायी, असंवेदनशील और अमानवीय अप्रोच, लचर व भ्रष्ट व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एवं भ्रष्ट आचरण के कारण गरीबों के 1000 से ज़्यादा मासूम बच्चों की चमकी बुखार के बहाने हत्या की गई है। 14 बरस से ये लोग बिहार में राज कर रहा है। हर साल बीमारी से हजारों बच्चे मरते हैं लेकिन बताते सैकड़ों हैं, फिर भी रोकथाम का कोई उपाय नहीं, समुचित टीकाकरण नहीं, दवा और इलाज का सारा बजट ईमानदार सुशासनी घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। बिहार का बीमार स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इतनी मौतों के बाद अब केंद्र और प्रदेश के मंत्री क्या नृत्य करने चार्टर फ्लाइट से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जब अस्पताल के दवाखानों में दवा की जगह कफन रखे हैं। डॉक्टर नहीं है तो क्यों नहीं बीमार बच्चों को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाते। केंद्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कुतर्क गढ़ रहे हैं। एक कहता है मैं मंत्री हूँ, डॉक्टर नहीं, मरते बच्चे किस्मत का खेल है, और फिर उसी किस्मत को लात मार बिस्कुट खाते बेशर्मी से मैच का स्कोर पूछता है। एक प्रेस मीटिंग में ही सो रहे हैं, लीची को दोषी बताते हैं, भगवान की आपदा बताते हैं। मुख्यमंत्री जी सदा की तरह मौन हैं। मुजफ्फरपुर में 40 बच्चियों के साथ सत्ता संरक्षण में जन बलात्कार किया गया तब भी मौन थे। मुजफ्फरपुर में ही भाजपाई नेता द्वारा 30 मासूमों को कार से कुचला तब भी मौन, और हर वर्ष की भांति फिर हजारों बच्चों की चमकी बुखार से मौत पर भी चुप। क्या 14 वर्ष से राज कर रहे मुख्यमंत्री की हजारों बच्चों की मौत पर कोई जवाब दे ही नहीं। कहाँ है गरीबों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना। हम इस नाजुक समय में राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन गरीब बच्चों का समुचित इलाज करना सरकार का धर्म और दायित्व है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने कमान संभाली हुई है लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में नहीं है। इतना कुछ मुजफ्फरपुर में हुआ है, लगभग 150 बच्चों की जान गई है, पूरा सरकारी हमला वहां लगा हुआ है, विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन जो महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़े चेहरे थे, या यूँ कहें कि लालू यादव की अनुपस्थिति में राजद के जो सबसे बड़े चेहरे थे तेजस्वी यादव हैं, वो अनुपस्थित हैं। खैर, उनकी तरफ से मां राबड़ी देवी ने ट्वीट करके सरकार को भी घेरा और अपना दर्द भी उड़ेला है। लगातार इस खबर पर हमारी नज़र है। मुजफ्फरपुर से जो भी अपडेट आ रहे हैं वो लाइव सिटीज आपको बता रहा है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।